ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। प्रतिदिन बाप दादा की मुरली में हम सभी बच्चों को श्रेष्ठ मत मिलती है, शिक्षाएं मिलती है और सावधानियां मिलती है। आज बाबा कहे, मैं तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाता हूं, अर्थात नई मत देता हूं। इसीलिए कहा जाता है भगवान की गत मत न्यारी है। दूसरा, बाप दादा हमें शिक्षाएं देते हैं कि बच्चे तुम्हें पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ाना है, सच्ची गीता सबको सुनानी है। रहम दिल बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। और साथ ही साथ बाप दादा हम बच्चों को सावधानियां देते हैं। क्या सावधानियां देते हैं? बच्चे तुम्हें ऊंची तकदीर बनानी है तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। अगर खाया पिया और सोया तो बाबा कहे ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे और ये अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। तो इसलिए बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ शिक्षाएं मिलती है और सावधानियां मिलती है। सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते, नई मत देते, इसलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, रहम दिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बिगर खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते हैं, जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि यह बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना न सके। बाप जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, नरक की स्थापना करने वाला है रावण। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, वह हो गई रावण संप्रदाय। तो यह नई बात सुनाई ना बाबा ने, रावण का ही पूरा अर्थ नया बता दिया कि 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, वह हो गई रावण संप्रदाय। तो यह नई बात सुनाई ना, स्वर्ग बनाने वाला है परमपिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं। नरक बनाने वाला है रावण, जिसका चित्र बनाकर वर्ष वर्ष चलाते हैं। एक बार जल गया तो फिर उनकी एफिजी देखने में थोड़ी आएगी। बाबा कहे एक बार जल गया तो फिर उनका एफिजी देखने में थोड़ी आएगा। वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो एफिजी जल गई फिर तो समाप्त हो गया,
लेकिन फिर भी हर वर्ष जलाते हैं, मना जिंदा हो जाता है। वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है, फीचर्स आदि बदल जाते हैं। यह तो रावण के वही फीचर्स वर्ष वर्ष बनाते और जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई फीचर नहीं, वैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं। यह रावण तो विकार है। बाप ये समझाते हैं मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं। भगवान आते ही है भक्ति का फल देने व रक्षा करने, भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है। सुख है अल्पकाल क्षणभंगुर, भारतवासियों का बिल्कुल ही दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का दिवाला निकला, जीवन तो दुखी रहता है ना। बाप कहते हैं मैं आता हूं सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आकर के नई बात बताते हैं, कहते हैं मैं आया हूं स्वर्ग की स्थापना करने, वहां तुम विकार में नहीं जाएंगे। वह है निर्विकारी राज्य, यह है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वह बाप ही स्थापन करते हैं। नरक का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते हैं तुम स्वर्ग में चलेंगे? वैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनेंगे? पूछते हैं बाबा तुम स्वर्ग में चलेंगे? वैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनेंगे? यह कोई वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं है। बाप ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व दर दर धक्के खाओ, मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ व गीता भागवत आदि बैठकर पढ़ो। नहीं, सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं। तुम भल कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ जप दान पुण्य आदि करो, यह है ही धक्का खाना। इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। इस समय सब नरकवासी है। अगर कोई को कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो नरक कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाप वैकुंठ की बादशाही ले आए हैं। कितना बड़ा तोहफा लेकर के आए हैं, कितनी बड़ी गिफ्ट देने आए हैं। कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मूल बात सारी पवित्रता की है। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते। तो बाबा क्या कहेंगे? अरे तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने लिए। पहले वापस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है, इसलिए देह के अभिमान को तोड़ो। मैं क्रिश्चियन हूं, बौद्धी हूं, ये सब है देह के धर्म। आत्मा तो स्वीट होम में रहती है। तो अब बाप कहते हैं वापस मुक्ति धाम चलेंगे, वहां तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापस कैसे चल सकते हो? मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। घर जाना है तो कैसे चलेंगे? बाबा कहे बाप को और स्वीट होम को याद करो। देह के सब धर्म छोड़ो। ये मामा है, काका है, चाचा है, इन सब देह के संबंधों को छोड़ो और अपने को
देही समझो, आत्मा समझो, मुझे याद करो, बस यह है मेहनत। और मैं कुछ नहीं सुनाता हूं, शास्त्र आदि जो पढ़े हो वह सब छोड़ो। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूं। कहा जाता है ना, ईश्वर की गत और मत न्यारी है। गति कहा जाता है मुक्ति को। बाप नई बात सुनाते हैं ना, मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहां तो नई बातें हैं, शास्त्र की कोई बात नहीं। यूं तो है गीता की बात, परंतु मनुष्य ने गीता को भी खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई, मैंने तो गीता पुस्तक आदि कुछ भी नहीं उठाई है, वह तो बाद में बनती है। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिकी लदे बच्चे हैं। दावा कहे, ऐसी किसकी कहने की हिम्मत ही नहीं होंगी कि तुम मेरे सिकी लदे बच्चे हो। यह निराकार परमात्मा ही कहते हैं, निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है, यह शरीर है ऑर्गन्स, यह बात कभी कोई समझते नहीं। वह मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, यह परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्माएं सुनती है इन कानों द्वारा। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो यह वंडर खाते हैं, भगवान कैसे समझाएगा। वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं, मैं विदेही हूं और विदेही आत्माओं को सुनाता हूं। तो ये नई बातें सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं। जो कल्प पहले बच्चे सुनकर गए हैं उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता है। पढ़ते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात हो न सके। लौकिक रीति भी बच्चे माँ बाप को माँ बाप कहते हैं। अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। ये पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। कहते हैं, हे बच्चे, अब विष की लेन देन छोड़ो। मैं तुमको जो शिक्षा देता हूं वह एक दो को दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा जो शिक्षाएं हमें देते हैं वो दूसरों को हमें देना है। तो बाबा कहे, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते तो क्या होगा, तो दास दासी जाकर बनेंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। बच्चों को संभालने वाले दास दासियां जरूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे, यहां रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी बन पढ़ते हैं। पढ़ाई जरूर पढ़नी है, पढ़ाई से ही पद होता है, इसलिए बाबा कहे, यहां रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी बन पड़ते हैं। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह इतना ऊंच पद पाते हैं। प्रजा में शाहूकारों के भी दास दासी होंगे, खाली राजघराने के दास दासियां हैं ऐसा नहीं। बाबा कहे, प्रजा में शाहूकारों के भी दास दासियां होंगे। हर एक को अपनी शक्ल देखनी है, हम क्या बनने लायक है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। बाप तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध कर बतलाते हैं कि इस कारण यह तुम बनेंगे। बल सरेंडर किया है उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया है परंतु कुछ सर्विस नहीं करते,
सिर्फ खाते पीते रहते तो जो दिया वह खाकर खत्म करते हैं। दिया सो खाया, सर्विस नहीं की तो थर्ड क्लास दास दासी जाकर बनेंगे। हाँ, सर्विस करते हैं और खाते हैं तो ठीक है, धंधा कुछ नहीं करते तो खा खा कर खत्म कर देते हैं। दुनिया में भी ऐसा होते कि धंधा अगर नहीं करते और बैठे बैठे खाते रहेंगे तो सारा जमा पूंजी समाप्त तो हो जाता है, फिर और भी बोझा चढ़ जाता है। यहां रहते हैं जो दिया सुखाया, जो भल नहीं देते हैं परंतु सर्विस बहुत करते हैं तो वह ऊंच पद पा लेते हैं। मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया परंतु पद बहुत ऊंच पाती है क्योंकि बाबा की रूहानी सर्विस करती है। बाबा की रूहानी सर्विस करती है, हिसाब है ना। कईयों को नशा रहता है, हमने तो सब कुछ दिया है, सरेंडर हुए हैं, परंतु खाते भी तो है ना। बाबा मिसाल तो सब बताते हैं, बाबा मिसाल तो सब बताते हैं। सर्विस नहीं की, खाया और खलास किया। कहते हैं ना, जिन सोया तिन खोया। 8 घंटा सर्विस करने बिगर खाना हराम है। खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़े। बाप को तो सब बतलाना पड़ता है। जो कोई ऐसे नहीं कहे कि हमको बतलाया क्यों नहीं, बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सर्विस भी करते रहते हैं तो ऊंच पद भी है। सरेंडर हुए और बैठ खाया, सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा, श्रीमत पर चलते नहीं। बाबा खास समझा रहे हैं, ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहे कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ। तो बाप समझाते हैं, सर्विस न करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्प कल्पांतर का यह हो जाएगा, इसीलिए बाबा सावधान करते हैं। समझना चाहिए, कल्प कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। कितना रहम दिल बाबा को, बच्चों की एक्टिविटी को देखकर रहम आता है और इसीलिए बाबा इतनी स्पष्ट रीति से हर बात को समझाते हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं उनका पद बहुत ऊंच है। सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है, वह तो कच्छ में कुरुम उठाते हैं, तुम्हारे कच्छ में कुछ नहीं। कच्छ माना जैसे कहते हैं ना, ऐसे बगल के नीचे, कच्छ में कुरुम, तो तुम्हारे कच्छ में कुछ नहीं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है और सबने घाटा ही दिलाया है, इसलिए लिखा जाता है वह सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सच खंड का मालिक बनाते हैं, यह तो समझने की बात है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो प्लान बनाते रहेंगे, हम सोने की ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, यह करेंगे। शाहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा तो उनके ख्यालात चलेंगे, हम ऐसा करेंगे, यह बनाएंगे। तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो तो शौक होगा ना कि क्या करेंगे, हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे जो और कोई का नहीं होगा। यह ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में यह ख्यालात
चलनी चाहिए, हम कितने नंबर से पास होंगे। बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे, ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही माता पिता कहते हैं, वह आकर एडॉप्ट करते हैं। कितनी गुह्य बातें हैं। यह नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है, इतनी अच्छी रीति समझाते हैं। झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे, बाप को याद करेंगे, माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं है। कहते ना, माँ बाप को कभी भूलना नहीं। फिर संगम युगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं, पूछते हैं। बाबा को आश्चर्य लगता कि संगम योगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं। अच्छा, दुनिया धम चक्र में है और तुम बच्चे चुप हो, शांत हो। चुप में है शांति और शांति में है सुख। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ दो अक्षर याद है। कौन से दो अक्षर? अलफ अल्लाह और बे बादशाही। सिर्फ एक अलफ को याद करने से बादशाही मिल गई, बाकी क्या बचा? बाकी रही छाछ। अलफ को याद किया, बे बादशाही मिल गई, तो बाकी क्या बचा? बाकी रही छाछ। अलफ मिल गया, गोया मक्खन मिला। अलफ मिला, गोया मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ। ऐसे है ना, हम चुप रहते हैं, जानते हैं चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं। परंतु वंडर यह है कि बच्चे अलफ को भी पूरा याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है, बाप भी कहते हैं मन मना भव मध्याची भव। गीता में अक्षर है तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मना भव मध्याची भव का अर्थ क्या है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। मन मना भव माना मन को मुझ में लगाओ, और मध्याची भव माना ब्रह्मा विष्णु महेश में मध्य है विष्णु, तो विष्णुपुरी की बादशाही मिलेगी। तो मन मना भाव से मध्याजी भव। बाबा कहे ये अर्थ पूछो। बाप कहते मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। सब देह के धर्म छोड़ देही बन जाओ, ये गीता के महावाक्य है। सब देह के धर्म छोड़ देही बन जाओ और बाप को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते हैं जपो अलफ को तो बादशाही मिलेगी, सचखंड की राजाई मिलती है। हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बात बड़ी सहज है, अलफ के बनो तो बादशाही मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। आप समान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। मनुष्य न अलफ को जानते हैं न बे को जानते हैं। बे माना बादशाही, बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना, जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी, ये मक्खन उसको दिया होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, वापस स्वीट होम घर जाना है। इसीलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है।
इसी अभ्यास में रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप की जो शिक्षाएं मिली है वह दूसरों को देनी है। आप समान बनाना है। 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मुहूर्त भव। शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को, अशुद्ध फीलिंग की बीमारी या फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मुहूर्त भव। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा, मैं देव आत्मा, महान आत्मा, विशेष पाठदारी आत्मा, इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। जहां यह शुद्ध फीलिंग है वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। आज का स्लोगन है, संगम योगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। संगम योगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। अच्छा, ओम शांति।